दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 49 बैग्स ऑफ राइस इज 8,575। भाई हमने 49 बैग्स क्या राइस के खरीदे, चावल के खरीदे, मुझे कितने के पड़े? 8,575 फाइन द कॉस्ट ऑफ वन बैग। अब मुझे एक बैग का निकालना है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब हमें किसी के 10 बैग का इतना है, 12 बैग का इतना है, तो वन बैग का निकालना तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है। कहने का मतलब, जैसे 10 पेन की कीमत हमें दे रखी थी 100 रुपीज, अब वन की निकालनी तो वन इक्वल टू क्या होता है, 100/10 हो जाएगा। तो ये काट देंगे तो 1 पेन की कितने होगी, 10। मीन्स ये इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना हमें। तो आपको डिवाइड करना होगा, ये बड़े नंबर है, यहाँ से सिंपली हमने कर दिया, यहाँ हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 49 को 49 से डिवाइड करना 8,575 को। अब 49 85 है, अब 49 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, 9 2 जा 18, 4 9 98 आ रहा है, तो हम कितना टाइम देंगे, 1 टाइम देंगे। 49 1 जा 49। अब यहाँ से 1 चला गया, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गए कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 7 में से 4 गया 3, 36 हुआ। तो ये छोटा है तो इसको ले लेंगे। अब ये 367 हो गए। अब मुझे देखना कि 49 कितने टाइम जा रहा है, हम देख लेंगे एक बार, हम 4 टाइम देख के, 4 5 6 7 टाइम देख लेते एक बार। 7 9 63, 7 4 28, और 6 कितना हो जाएगा, 24, और 6 7 28, सॉरी 3 4 3 हो रहा, आई थिंक नज़दीक आ रहा। 7 9 63, 6 बच रहा, 7 7 4 28, 34, ठीक है, 7 से तो 7 टाइम जा रहा, कितने टाइम जा रहा, 7 3 4 3, 7 में 3 गए कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 गया 2 24, तो यहाँ हमने ये। अब मुझे देखना है 49, तो हम 5 से देखेंगे, 5 9 45 है, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं 5 9 45, 5 4 20, और 4 24, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 तो 245, 0 0 0 आ गए। तो हमें अब वन बैग का निकल गए, वन बैग कॉस्ट कितनी पड़े हमें, 175 रुपीज़ में, ठीक है। अगर हमें वन बैग की 175 में पड़े, तो 49 बैग की कितनी पड़े, 8,575। ओके, थैंक यू।